हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में भारतीय राजनीति के उभरते आयाम यूनिट फोर्थ है। यूनिट थर्ड को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो यूनिट थर्ड हम नहीं पढ़ेंगे, यूनिट फोर पढ़ेंगे, जो है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। इसका फर्स्ट चैप्टर है नियोजन और विकास नीति आयोग। विकास नीति आयोग, इसको पहले योजना आयोग भी कहा जाता था, अब इसका नाम नीति आयोग बदल दिया गया। 2015 से इसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग कह लीजिए या आप इसको योजना आयोग कीजिए या नियोजन आयोग कीजिए, बात एक ही है। प्लानिंग कमीशन कह दीजिए या नीति आयोग, नाम बदला है, कार्य वही है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, योजना आयोग क्या था, क्या इसके क्या कार्य है, क्यों नियोजन करना आवश्यक है, क्यों प्लानिंग करनी पहले ज़रूरत होती है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, नियोजन और विकास नीति आयोग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नीति कमीशन। तो शुरू करते हैं नियोजन और नीति आयोग। सभी मनुष्य अपने आने वाले कल के बारे में चिंतित रहते हैं और इस चिंता के समाधान हेतु वह चिंतन करते हैं, और तथा इसी चिंतन में भविष्य की योजनाएं निहित होती है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, इसी दिशा में कुछ व्यवस्थित प्रयास, इन चिंताओं का उचित निदान है। राष्ट्रों को अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं नीति। नीतियाँ बनाना, ये काम नीति आयोग का है, प्लानिंग कमीशन का है। नीति आयोग या विकास, इसको नियोजन आयोग भी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। 1928 में सर्वप्रथम रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि हेतु इस प्रक्रिया के तहत नियोजन को स्वीकार किया है। देश की समस्याओं के समाधान हेतु इस योजनाबद्ध कदम उठाए गए। रूस के ये प्रयास उस अवधि में काफ़ी सफल हुए, फलस्वरूप इन राष्ट्रों ने भी विकसित इस मॉडल को स्वीकार किया। हमारे देश में 1950 में योजना आयोग का गठन के साथ ही नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकार किया गया। 1950 में योजना आयोग के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, योजना आयोग बनाया गया 1950 में। देश में विद्यमान आर्थिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, उद्योग और कल कारखानों के विकास करने, सूचना प्रौद्योगिकी को गति देने और उनको आर्थिक नियोजन की आवश्यकता, ये इसके योजना आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग या नीति आयोग या इसको नियोजन आयोग, तीनों एक ही बात है। नियोजन क्या है? नियोजन किसे कहते हैं? प्लानिंग की, व्हाट इज प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग क्या है, नियोजन क्या है, नीतियां क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। सोच समझकर उठाया गया सही दिशा में पहला कदम ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उसके उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन और प्रयास व्यवस्थित हो तथा अवधि निश्चित हो। हमारे योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए कुछ इस प्रकार की परिभाषा दी है। योजना आयोग ने नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभ प्रयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। योजना आयोग द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक संस्था का निकाय था जिसका गठन 1950 में किया गया था। 1950 में नीति आयोग, योजना आयोग का गठन किया गया था। ये पहले एक गैर संवैधानिक संस्था थी, बाद में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लांट फॉर इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की कि योजना आयोग योजना से आगामी 10 वर्षों तक राष्ट्र की आय को दुगुना किया जा सकता है। कालांतर में 1944 में बम्बई योजना, श्रीमन्ना नारायण गांधीवादी योजना, M.N. राय की जन योजना, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सूर्योदय योजना भी इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयास थे। 1950
44 में बंबई योजना बनाई गई थी जो योजना आयोग का ही एक परिष्कृत रूप था। श्री मन्नार योजना, गांधी योजना और एम एन राय की जन योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय योजना बनाकर इस प्रकार योजना आयोग में सार्थक प्रयास किए थे। योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्यों जरूरी है, यानी कि नियोजन क्यों जरूरी है, नियोजन क्यों करना आवश्यक है, यानी कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, व्हाई प्लानिंग, यानी कि नियोजन क्यों आवश्यक है। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन को अपनाया गया है। प्रारंभ में इसके उद्देश्य में तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। आज हमारी आवश्यकताएं एवं चुनौतियां भिन्न हैं, अतः नियोजन के प्रयास भी परिवर्तित रूप से हमने आरंभ किए हैं। इनके उद्देश्यों को इस प्रकार से समझ सकते हैं, नियोजन क्यों आवश्यक है। नियोजन की पहली शर्त है, नियोजन क्यों आवश्यक है, यानी कि प्लानिंग करना क्यों आवश्यक है। योजना आयोग है उसका क्या कार्य है, यानी कि क्यों जरूरी है योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना। संसाधनों का समुचित उपयोग जिससे इसके अपव्यय को रोककर राष्ट्रीय विकास किया जा सके। संसाधनों का समुचित उपयोग करके, संसाधन जो भी है देश में, संसाधनों का समुचित उपयोग करके उसके अपव्यय को रोककर राष्ट्र का विकास करना, ये इसका क्या है प्रथम उद्देश्य है। देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना और लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एकाधिक रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना योजना आयोग का दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य आप देखते हैं वो क्या है, कौशल विकास। देश के नागरिकों की सुतृप्त प्रतिभा को जागृत कर उन्हें परंपरागत कौशलों द्वारा नवीनीकरण रूप में विकसित करना। योजना आयोग के द्वारा देश के नागरिकों में छिपी प्रतिभा को जागृत करके उन्हें उनके परंपरागत कौशलों को नवीन ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या है, योजना आयोग है। आर्थिक विषमता को दूर करना भी योजना आयोग का प्रथम कार्य है। आर्थिक विषमता को कम करना भी नियोजन आयोग का या योजना आयोग का या नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको संतुलित करना भी क्या है, योजना आयोग का प्रथम कार्य है। दूरियों को मिटाना योजना आयोग का कार्य है, प्लानिंग कमीशन या नीति कमीशन का कार्य है। आर्थिक असमानता को कम करना योजना आयोग का ये चौथा कार्य आपने समझा भी। इसी तरह राष्ट्र का संपूर्ण विकास करना योजना आयोग का कार्य है, नीति आयोग का कार्य है। नीति आयोग नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों व क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना इसका प्रथम लक्ष्य है, प्रथम उद्देश्य है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्र आय में वृद्धि करना। नियोजनों के प्रयास से उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय में स्वाभाविक वृद्धि संभव है। इसी तरह सातवां आप देखते हैं वो क्या है, सामाजिक उन्नति भी योजना आयोग का प्रथम उद्देश्य है। व्यवस्थित विकास से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और ये प्रक्रिया संपूर्ण समाज को जागृत प्रगति के राह पर ले जाएगी, योजना आयोग का ये उद्देश्य है ये। इसी तरह आठवां आप देखते हैं, आठवां उद्देश्य क्या है, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास करना। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना आयोग नीति आयोग का कार्य है, देश को वो आत्मनिर्भर बनाए, किसी दूसरे देश के ऊपर वो आश्रित न रहें, स्वयं यहाँ के जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों से उत्पादन किया जाए और राष्ट्र की आय को बढ़ाया जाए। जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयासों से उन्नति स्वाभाविक है जो आगे चलकर राष्ट्रीय उन्नति और आत्मनिर्भर में परिवर्तन लाएगी। नवां इसका उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का नवा उद्देश्य आप देखते हैं, सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों का पूर्ण करने के नियोजित प्रयासों के लिए योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक है। सत्ताधारी दल ने जो वादे किए हैं, जो भी बातें इलेक्शन से पहले उन्होंने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करना भी क्या है, नीति आयोग का कार्य है। विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से इन पर सवाल उठाया जा सकता है। दसवां क्या है, आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना। संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्यों से नियोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और लास्ट है ग्यारहवां क्या है, जनकल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएँ भी नियोजन से ही विकसित होती है।
जन कल्याण के जो भी जन कल्याण की भावनाएं हैं उनको विकसित करना, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना भी क्या है, नीति आयोग का कार्य है। नीति आयोग का ये कार्य आपने देखा। अब बात करते हैं भारत में नियोजन के लक्षण, यानी कि भारत में नियोजन के क्या लक्षण, इनके बारे में बात करते हैं। भारत में नियोजन के लक्षण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां केंद्र राज्य सरकारें का संपूर्ण शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के द्वारा स्वाभाविक स्वरूप को धारण कर चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारें आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। भारत एक संघात्मक देश है जहां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। संघात्मक, जब आपने संघवाद पढ़ा था तो आपने ये जाना था कि जो शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है, भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश बताया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो भी देश होते हैं उन देशों में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाता है, यानी कि राज्य सरकारों का भी अपना एक महत्व होता है, लेकिन शक्तियों का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर ज़्यादा होता है, राज्यों को शक्तियाँ कम प्राप्त होती है, लेकिन वो उनको कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में आप देखते हैं सारी शक्तियाँ जो है क्या है वो केंद्र को प्राप्त हैं और राज्यों को शक्तियाँ कम प्राप्त, राज्यों का वहाँ अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है, वहाँ पर केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ राज्य और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर देश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाती है। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियाँ राष्ट्रीय नियोजन व उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। नीति निर्माण व नियोजन की इस प्रक्रिया में राष्ट्रहित कभी गौण नहीं हो सकता, स्वाभाविक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भी इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं अच्छा नियोजन और राष्ट्र की समृद्धि के प्रतीक क्या है, यानी कि एक अच्छे नियोजन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे प्लानिंग यानी कि एक अच्छी योजनाएं बनाना एक अच्छे आयोग की क्या परेशानी होती है। अच्छा नियोजन राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक है। अच्छी प्लानिंग करना एक देश के लिए समृद्धि का प्रतीक कैसे है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जो देश में जो भी संसाधन है उनका समुचित उपयोग करना समृद्धि का प्रतीक है देश की। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि करना ही राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कृषि और पशुपालन का कालांतर विकास, इलेक्ट्रॉनिक और संप्रेक्षण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, शासकीय कार्यतंत्र जिसको नौकरशाही में पारदर्शिता लाना भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण और उसका प्रयास करना प्रचार प्रसार करना। तो ये सारे क्या है, नियोजन के कार्य हैं। और आठवां आप देखते हैं इसमें क्या है, बौद्धिक क्षमता का समुचित उपयोग करना, कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण हमारी योजना का हिस्सा रह चुके हैं। भारत में नियोजन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली रही है। नीति नियताओं के विचार और धारणाओं ने इसे प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में जहां हम अति केंद्रित व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं वे आगे चलकर उदारवादी स्वरूप को धारण कर लेती है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर दिखाई देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नियोजन की प्राथमिकताओं को सम्मिलित करना रहा है। सामाजिक क्षेत्र के जो मुद्दे हैं जैसे कृषि है, पेयजल है, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता, पर्यावरण, इन सभी को नियोजन के प्रक्रिया से ये दूर हो चुके हैं। इन पे कोई बात नहीं की जाती है कि इन पे नियोजन जब भी योजना आयोग नीति आयोग अपनी योजनाएं बनाते हैं तब नीति आयोग इन बातों को भूल जाता है कि इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, सामाजिक क्षेत्र के ये मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पे नीति आयोग ध्यान नहीं देता है, जैसे कृषि है, कृषि पर नीति आयोग का कोई मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता इस पे। पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता, पर्यावरण, ये सभी जो मुद्दे हैं
ये मुद्दे नीति आयोग से, नीति आयोग इनको भुला चुका है, नीति आयोग से इनको कोई मतलब नहीं है। नीति आयोग और योजना आयोग एक ही है, आपको मैंने बताया था। नीति आयोग का नाम बदल, योजना आयोग का नाम बदलकर अब उसका नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का इसका संगठन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होते हैं और किस तरीके से कार्य करता है, ये आगे हम बात करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। आपने नियोजन आयोग पढ़ा, नीति आयोग जिसको आप विकास आयोग या योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग का जो गठन है वो 1950 में किया गया था। शुरू में ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी, बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जो योजना आयोग है उसका कार्य क्या था, देश में नए जो देश का समुचित विकास करने के, सर्वांगीण विकास करने के लिए योजनाएं बनाना, इसका प्रथम इसका कार्य था। इसके ये जो उद्देश्य, योजना आयोग के उद्देश्य 11 उद्देश्य आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको आप याद करेंगे। इसी तरह आपने भारत में जो योजना आयोग के लक्षण है वो जाना। योजना आयोग एक अच्छे योजना बनाने में क्या क्या उसके लक्ष्य हो सकते हैं, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपने जाना। संसाधनों का समुचित उपयोग करके देश को प्रगति की नई राह पर ले जाया जा सकता है, तो आपने ये सभी जाना। अब अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे नियोजन का विकास संबंध क्या है, नियोजन का विकास से क्या संबंध है, प्लानिंग का जो विकास है उससे क्या संबंध है, इन सभी बातों पर हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह फिर नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है, भारत में एक परिवर्तित संस्था है, इसका नाम बदल दिया गया है, इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।